मुझे समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े बजट में समाजवादियों की कविता कैसे आ गई। और अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारे वित्त मंत्री ज्यादा स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि अपने शेयर तो वो कम रखते हैं, दूसरों के शेयर ज्यादा पड़ते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन किसके गांव का पता ढूंढ रहा था, हमें तो आपके गांव का पता ही नहीं पता। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है, हमें तो आपके गांव का नाम ही नहीं पता। क्या वजह है? मैं जानता हूं किसके लिए थी ये कविता, ये बात तो आप भी जान गए हो, ये बात तो आप भी जान गए, आप जान गए, मैं जान गया, आपके मानी सदस्य शायद मैं जान पाए हूं। उन्हीं की, जिनकी वो चार लाइनें इन्होंने पढ़ी हैं, उन्हीं से मैं फिर लाइन मांग के ले आ गया। यहां कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। यहां कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गाय, कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गाय, चमन का हाल कुछ ऐसा कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन का हाल कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। अध्यक्ष महोदय, पहचान गांव की, मुझे तो नहीं पता गांव किसके गांव की कहां है। एक गांव तो बहुत सबको जानते हैं, सब जानते हैं उस गांव को, सब जानते हैं उस गांव को। देखिए आप, यही तो लाइन में लिखा था, यही तो लाइन में लिखा था, यही तो कविता पढ़ी थी, और मैं दोबारा पढ़ देता हूं। और इनके गांव कहां है ये बता दें खुद, जब भाषण देता तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। दुआ देते हैं कोई नाम तक भी खानदानों का, डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। अरे अपना गांव तो बता दो, कौन सा है आपका गांव? अपना गांव तो बता दो। तो अपने गांव की पहचान बनाओ, अगर सब अपने गांव की पहचान बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होगी। जो अपने गांव की पहचान नहीं बना सकते, जो अपनी गांव की पहचान नहीं बना सकते, वो किसी को पहचान भी नहीं दे सकते। बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो बात पहुंच गई कहां पहुंचनी थी। शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे ही नहीं लगते, शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे नहीं लगते, 46 में 56 की जो बात है करते। जो सरकार खर्च नहीं कर पा रही है पैसे, जो सरकार जनता तक अपनी चीजों को नहीं पहुंचा पा रही है,
तो वो क्या रास्ता अपना रही है? शेर और शायरी का। क्या शेर और शायरी से जमीन तक बातें पहुंच जाएंगी? और अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि जो जो मैंने कहा है, इसकी कम से कम सच्चाई सदन जाने कि आखिरकार सच्चाई क्या है, कि आप बजट खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप जो प्रोविजन कर रहे हो वो आपके आंकड़े गलत हैं, जो प्रोविजन कर रहे हो वो आंकड़े गलत हैं, या फिर जो खर्च करने जा रहे हो वो आंकड़े आपके गलत हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो जब आप बजट इतना बड़ा दिखा रहे हैं, वो जमीन पे क्या दिख रहा है? जमीन पर कितना पहुंचा है?